नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जल्द ही पुलिस कर्मियों की विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर समाधान हेल्पलाइन की होगी शुरुआत। पुलिस मुख्यालय से DGP ML लाठर ने निर्देश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कार्रवाई की, तस्कर को जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। तस्कर एयर इंडिया की फ्लाइट से सोने की तस्करी कर जयपुर पहुंचा, कस्टम विभाग के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 348 ग्राम सोना बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कुल कीमत 16 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक बार फिर कोरोना की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश के जिन जिलों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसमें लगाया नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 शहरों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अब रात 9 बजे होंगे बाजार बंद। उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। मौसम विभाग विज्ञान ने अपने पूर्वानुमान में संभावना जताई। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों का ऐलान किया। सूची में अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ज्यादातर जाट विधायकों को मिली जगह। जातिगत समीकरणों के आधार पर जाट नेताओं को दी गई तरजीह। राजसमंद में कोरोना पर चुनाव भारी, रैलियों में उमड़ी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। छिपाबड़ोद उपकरण के आकाखेड़ी गांव में 5 दिन पहले हुई शिक्षक प्रेम नारायण की हत्या के मामले में मीना समाज हुआ लामबंद। राज्यपाल के नाम उपकरण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। समाज के मोहन मीणा खेड़ी ने बताया कि समाज द्वारा शिक्षक प्रेम नारायण मीणा के तीनों हत्यारों को फांसी की मांग के लिए सौंपा गया ज्ञापन, ताकि भविष्य में अपराधों पर की ना हो पुनरावृत्ति। पांच दिन पहले प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे शिक्षक की उसकी पत्नी ने और प्रेमी ने अन्य के साथ मिलकर की थी हत्या, इससे समाज में है आक्रोश। मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। घटना की सूचना से मिलते ही मकराना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शव को बरामद कर राजकीय चिकित्सालय मकराना की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के छोटे भाई ने मानसिक संतुलन खराब होना बताया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। मकराना के मुख्य मार्गों में एक दूसरी रोड खराब होने से आवागमन करने वाले आमजन को दिक्कतें आ रही है। टूटी हुई सड़क पर घायल हुआ एक युवक। युवक बाइक पर पुलिस थाने की ओर जा रहा था। टूटी हुई सड़क से बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सहित गिरा।
युवक के शरीर पर जगह जगह चोटें आई। सड़क पर गिरकर घायल होने से फिरोज पाजी सहित अन्य राहगीरों ने प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। उत्तर पश्चिम रेलवे सूरतगढ़ में कमिश्नर ऑफ रेलवे ने किया 100 किलोमीटर गति से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल। रेल विद्युतीकरण कार्य को दिखाई हरी झंडी। शीघ्र ही विद्युतीकृत रेल का संचालन होगा शुरू। नागरिकों को प्रदूषण रहित ग्रीन ट्रांसपोर्ट और तेज गति की रेल सेवा का मिलेगा लाभ। मकराना को ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी में कांजी को किया गया प्रदेश सचिव नियुक्त। प्रदेश अध्यक्ष हुसैन लीलगढ़ ने कार्यकारिणी विस्तार करने के दिए निर्देश। जोधपुर के तिवरे पुलिस चौकी प्रभारी सहदेव की विदाई समारोह में गांव के लोगों ने साफा और माला पहनाकर दी विदाई। गणमान्य लोग रहे मौजूद। पावटा की नर्मदा देवी बिहारी लाल जोशी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 सेट परिंडा और चुग्गा प्लेट लगाए गए। मुख्य अतिथि ने पुनित कार्य को अनवरत जारी रखने को कहा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। परिवादों का निस्तारण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होटल विजय पैराडाइज में किया गया। लोक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम से बांधा समा। संध्या की शुरुआत गंगा देवी और पार्टी ने 13 ताली नृत्य के माध्यम से भक्ति से सराबोर किया। चरी नृत्य और घूमर की थी प्रस्तुति। सांस्कृतिक संध्या में बाड़मेर से पधारे पुष्कर प्रदीप और जानकी गोस्वामी की टीम ने मधुर गायन से कार्यक्रम में लगाया चार चांद। पांडाल को फागन की मस्ती से किया सराबोर। रामसरा जाखड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ संपन्न। कुल 170 लोगों के वैक्सीनेशन लगाए गए। कुलायत के बांगड़सर गांव के ग्रामीणों के ढाणे में पिछले 5 सालों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्कूल के आगे नारेबाजी कर जताया आक्रोश। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।